तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम कुछ नया, और ग्राफिक्स डिज़ाइन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी आपके अगरबत्ती बिज़नेस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस टाइप की जो ग्राफिक्स होती हैं, जो आपके रेडीमेड पैकेट्स में जो है स्टिकर जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, या फिर आपका जो पैकिंग होता है पैकिंग के ऊपर भी आप डालते होंगे, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जो अलग अलग टाइप्स के कलर से बनाए जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि इसको आपको कैसे डिज़ाइन करना है और कौन सी जो है एप्लीकेशन की मदद से ये बनने वाली है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगरबत्ती बिज़नेस से रिलेटेड मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो आपके अगरबत्ती बिज़नेस के लिए यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले आपको इस टाइप की जो ग्राफिक्स होती हैं उसको तैयार करने के लिए आपको छोटा सा जो है एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको चाहिए होगी एक एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी मदद से हम बनाएंगे सारा प्रोसेस और ग्राफिक डिज़ाइंस। तो आप सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाइए और उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी है लॉकपुट के नाम। उसके बाद आपको सिंपली सर्च करना है लोगो मेकर प्लस। तो फिलहाल मैं ओपन, मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम सीधा जो है एप्लीकेशन ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है अलग अलग ऑप्शन जो है आपको नजर आएंगे, जैसे लोगो है, फेसबुक कवर है, या फिर यूट्यूब थंबनेल है, पोस्टर है, या फिर इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज होती हैं वो, और जो बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, और बिजनेस कार्ड जो है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मल ग्राफिक जो है डिज़ाइन करनी है तो हमें लेना होगा A4 साइज़ का पेपर जो 200 DPI में है, और क्लिक करने के बाद हमारा जो है ये स्क्रीन में आ चुका है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी आपका ब्रांड नेम है जिस नाम से आप बनाना चाहते हो उस नाम को आप टाइप कीजिए। तो मेरा है श्री राम, तो सिंपली हम इसे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया हमारा नाम। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारे जो है फ़ॉन्ट आ चुके हैं, तो आप अपना फ़ॉन्ट जो है, जो आपका जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो फ़ॉन्ट है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो स्क्रॉल की मदद से आप इसे साइज़ को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और उसके बाद हमें इसमें कलर जो है सेलेक्ट करने हैं। तो कलर के लिए आप सिंपली ऊपर जो कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें आप टच कीजिए डार्क येलो, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, और उसको राइट क्लिक कर लेना है आपको। प्रोसेस जो आएगा उसको आगे आपको क्लिक करते जाना है राइट में। आप चाहो तो अपना जो फॉन्ट है उसको साइड अनसाइड कर सकते हैं, और इसमें जो है कुछ ब्लर हमें देना होगा, और उसके बाद हमें इसमें कुछ शैडो जो है बनाना होगा। तो सिंपली हम एक शैडो तैयार कर लेते हैं इसमें जो ब्लैक कलर से हैं, और उसके बाद राइट कीजिए, और इसमें दे देते हैं हम रेड कलर जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इसे करते हैं हम राइट, और फिर से उसी टेक्स्ट में आते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं इसमें प्रीमियम अगरबत्ती। फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है, इसका साइज़ जो है आप बढ़ा लीजिए थोड़ा, और उसके बाद देखेंगे कि आप इसमें बहुत सारे फॉन्ट जो है फिर से आ गए हैं। तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट में आप क्लिक कीजिए, तो ये वाला फॉन्ट हम जो है चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको कलर इसमें चेक कर लेना है, तो ये हो गया हमारा रेडी। उसके बाद हम कर देते हैं इसे राइट में क्लिक, ताकि ये पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। और सेकंड, अगर आप स्लोगन जो है डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है तो ना डालिए। इसके बाद हमें स्लोगन के लिए जो है क्लिप आर्ट चूज़ करना है, तो सिंपली हम आपको प्लस वाला आइकॉन में जाना है, उसके बाद आपको एड द लोगो में सर्च करना है, उसके बाद बैकग्राउंड आपको चूज़ करना है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग जो है आ चुका है। अब उसके बाद है हमारा सबसे बड़ा प्रोसेस, और वो है हमारा जो फ्लेवर्स जो होते हैं, जैसे कि अपना गुलाब हो गया या फिर सैंडल हो गया, और बहुत सारे जैसे फ्लेवर्स आते हैं उनका हमें एक जो है पिक्चर जो है हमें ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली बाहर आना है, और बाहर आके आपको गूगल में आपको सर्च करना है किस PNG करके, और इस किस PNG में आपको सारा जो है
जो फ्लावर्स हैं, जिस टाइप के आपको फ्लावर्स चाहिए वो पूरा आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करना है, सारा जो है फ्लावर्स आ चुके हैं। आप इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप सिंपली क्लिक कीजिए और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट जो है पिक्चर होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसी जो फ्लावर्स को हम यूज़ करेंगे। तो डाउनलोड मैं पहले से करके रखा हुआ हूँ, आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने जो है क्लिप आर्ट्स जो है डाउनलोड करके रखे हुए हैं। वो इस तरह से आपको डाउनलोड करके इसे रख लेना है। और इस वीडियो में हम बनाएंगे फ्लोरा परफ्यूम के बारे में, तो इसे हम एड में ले लेंगे। और उसके बाद जो आपको कैमरा का जो आइकॉन दिख रहा है उसमें आपको टच करना है, उसके बाद नीचे आप देखेंगे एड द पिक्चर है। उसके बाद आपको गैलरी जो है चूज़ करनी है, और गैलरी में इधर आपका जो है जिस फाइल में आपका फ़ोटो उसे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे फ्लोरा जो है फ्लावर, और देखिए आप स्क्रीन में ये एड हो चुका है। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है, इसे बड़ा कर लेना है, जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा हम शैडो जो है डाल देते हैं ताकि जो ग्राफिक्स है हमारा और अच्छा लगे, तो इतना काफ़ी है। अब उसके बाद आपको इसमें फ्रेग्रेंस का जो है नाम लिखना है, तो इसमें हम लिखते हैं फ्लोरा। अब जो है हमारा फ्लेवर्स जो है लग चुका है। उसके बाद आपको सिंपली आपका जो है एड्रेस वो मेंशन करना है, तो एड्रेस आप डाल दीजिए। और इसे हम देते हैं ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, उसे भी आप राइट कर दीजिए। और सेकंड जो है आप इसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो है डाल सकते हैं, जो भी आपका कॉन्टैक्ट है वो नंबर आप डाल दीजिए। अब उसके बाद आपको एक चीज़ जो है ऐड करनी है इसमें, जो आपका पैकेट जो है उसका प्राइस डिटेल और वेट। ये प्रोसेस भी हो गया हमारा कंप्लीट। और इसे आप एक फिक्स जगह पे रख लीजिए ताकि आपको मेंशन करते बने कि आपका जो कौन से वेट में क्या क्या जो है डिटेल आप डाल रहे हो। और इतना चीज़ होने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, जो भी आप जैसे सोशल साइट से जुड़े हुए हैं तो उनका आप ईमेल हो या फिर जो फेसबुक व्हाट्सअप या फिर यूट्यूब का जो है लिंक आप इसमें डाल सकते हैं। इसे आप ऐड कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा हमारा ग्राफिक जो है और अच्छा लगने लगे। उसके बाद इसमें हम एक चीज़ जो है ऐड करना भूल गए हैं, वो है हमारा एक क्लिप आर्ट। तो हम अपने सिंपली कैमरा पे जाते हैं, एक पिक्चर में क्लिक करते हैं गैलरी। अब उसके बाद आपको जीपीएनजी अगर आप रखे होंगे तो आप उसमें से जो है अब देख रहे हैं कि इसे हम प्रॉपर सेटिंग कर चुके हैं। सिंपली इसे भी आप क्लिक कर लीजिए और राइट कर लीजिए, ये हमारा क्लिप आर्ट जो है ऐड हो चुका है। अब उसके बाद आप इसे सेव करने के लिए आपको एक फाइल वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड जीपीजी आपको मिलेगा, और उसमें आपको जो है हाई रेजोल्यूशन मतलब अच्छी क्वालिटी में आपको डाउनलोड कर लेना है, जो नीचे आपको दिख रहा होगा 3308, इसमें हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, वो है कलर। आपको अगर व्हाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर जो है आप ऐड कर सकते हो। और उसके लिए आपको जाना होगा सिंपली कलर वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें क्लिक कीजिए आप, और उसके बाद ग्रेडियंट बेटा में आपको क्लिक करना है, और आपका कलर का ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएगा। आपको इसको टच करते जाना है और आपका जो है अलग अलग तरह के जो है कलर मिलते रहेंगे। देख रहे हैं कि डिफरेंस कलर इसमें आ रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसे क्लिक करते रहिए, और आपको सिंपली इसको उसी रिवोल्यूशन में आपको सेव कर लेना है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं गैलरी में, अब देखेंगे कि हमारा जो है जितना डिज़ाइन में बनाए थे वो हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। और आप इसे देखिए इसका डिज़ाइन, और इसमें आपका एक चीज़ इसमें बेनिफिट होने वाला है, आप इस तरह के अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन
करते हैं अपने खुद से, तो आपको इसको बनवाने के लिए काफ़ी आसान पड़ेगा, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो और अच्छी बात है। अगर आप प्रिंटर नहीं रखे हो तो आपके जो आसपास में जो प्रिंटर्स के जो दुकान होते हैं वहाँ पर आप जाके इसे आप डायरेक्ट उनसे निकलवा सकते हैं अपने अपने हिसाब से और अपने डिज़ाइन के ऊपर। और आगे मैं इसे किस तरह से प्रिंटिंग करना है वो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा प्रोसेस बताना पॉसिबल नहीं है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।